हर खबर से बाखबर, हमारी है सब पे नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ पाशा है, मैं सीनियर मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आसिफ नगर की जानब से यहाँ पर मैं तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल में आया हूँ। यहाँ पर हम लोग आज विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम एक कंडक्ट किए हैं। ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शंस पे हमारे कंट्रोलिंग ऑफिस को एक इंस्ट्रक्शन था कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना है हर गवर्नमेंट ऑफिस में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स में। तो यहाँ आसिफ नगर ब्रांच की तरफ से मैं यहाँ पर तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल में आया हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के लिए एक ऐसे कॉम्पिटिशन प्रोग्राम रखा है जिसमें ऑलमोस्ट 30-40 बच्चे पार्टिसिपेट करें और यहाँ से यहाँ के बाजू एक असरा स्कूल में, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था जहाँ पर 70-80 बच्चे पार्टिसिपेट किए इस प्रोग्राम में। और इसका मेन मकसद ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस आए एंटी करप्शन के बारे में, कि करप्शन जो हमारे देश में जैसा फैल रहा है उसको कैसा हम लोग रोक सकते हैं, और ये बच्चे जो है कल के सिटीजन्स है, इनमें ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। कल के दिन ये बच्चे कल डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और पॉलिटिशियंस बनेंगे और कई सारे बड़े बड़े पोस्ट पर ये लोग मुंतखब होंगे। और इनमें जब ये बात इनको पता चले कि करप्शन के बारे में, करप्शन क्या है, कैसा हम उसको रोक सकते हैं, और यही हमारा मकसद है कि आज इनको अवेयरनेस करप्शन के बारे में अवेयरनेस दे बच्चों को। और मैं यहाँ प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल आसिफ नगर राज और यहाँ के स्टाफ को मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हैदराबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।